हेलो फ्रेंड्स, आज इस पैटर्न में फ्रॉक बनाएंगे और इसे मैंने 2 से 3 साल के लिए बनाया है। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग हम लाइनिंग पर करेंगे। तो लाइनिंग मैंने यहाँ पर 1 मीटर ली है। एक साइड से इसे खोल देंगे, इस तरफ से चोली के पार्ट्स निकालेंगे। तो यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। चोली की लेंथ रखेंगे इसमें 8 इंच। 1 इंच सेम अलाउंस का लेंगे, 9 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल लेंथ लेंगे 4.5 इंच, यहाँ से भी 4.5 इंच लेंगे। फुल चेस्ट लेंगे 22 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5.5 इंच। 1 इंच सेम अलाउंस के लिए लेंगे। यहाँ पे टोटल विड्थ 6.5 इंच है, यहाँ से 6 पे लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दें, यहाँ से 2 इंच पे लगा देंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे। अब इसमें गुलाई कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर दें। यहाँ पे मैंने देखिए 2 पीस कट करे हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 पीस कट करे हैं। इसको सेंटर से पहले फोल्ड कर देंगे और यहाँ से लगभग 1/2 इंच नीचे तक निशान लगा देंगे और इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये बैक का पीस है और इसे फ्रंट का पीस मानेंगे। यहाँ पे मैं टाफ्टा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ये टोटल मैंने 1.5 मीटर लिया है। लाइनिंग को रख के मेन फैब्रिक कट करेंगे। बैक पीस के बराबर मेन फैब्रिक कट कर लिया है। बैक में तो आपको बिल्कुल बराबर कट करना है। पहले हम अब फ्रंट पीस को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चोली से एक्स्ट्रा लेंथ और विड्थ में कपड़ा आपको कट करना है। सबसे पहले आप कपड़े को सेंटर से फोल्ड कर दें और फिर इसको यहाँ से फोल्ड कर दें। ये पॉइंट इसका सेंटर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक पॉइंट आप यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं और एक यहाँ पे लगाएं। इसके चारों तरफ से मैंने 4 पॉइंट लगा दिए हैं। तो ये 4 पॉइंट देखिए मैंने कितना गैप लेके लगाए हैं। इसमें लगभग आपको 1/2 इंच का गैप रखना है। यहाँ से देखिए टोटल 1/2 इंच का गैप है, इधर से भी 1/2 इंच का है, इस तरफ से भी 1/2 इंच का है और इस तरफ से भी 1/2 इंच का है। तो इस तरह से अपने निशान लगाना है। फिर यहाँ से लगभग मैं 1.4 इंच पे लगा दूँगी। सेम यहाँ पे भी 1/2 इंच का गैप लेके ऐसे पॉइंट बना देने हैं। ये लाइन इसका सेंटर है। तो यहाँ से 4 इंच पे ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट मैंने बनाया और इस तरह से फिर सेम वही निशान लगा देंगे। पहले हमें यहाँ से मैंने 4 इंच की गैप पे लगाया, यहाँ से देखिए 4 इंच के गैप पे। फिर आपको इन दोनों के जस्ट सेंटर पे एक लगाना है। तो आप बिल्कुल अगर नापे भी ना, आप फ्री हैंड से बस इन दोनों के सेंटर पे बिल्कुल इक्वल गैप रखना है यहाँ पे आपको, और ऐसे ये निशान लगा देना है। अब देखिए मैं अंदाजे से ही लगा दूँगी, यहाँ पर ये निशान है तो लगभग मैं इतना ही गैप रखूँगी। तो एक निशान मैं यहाँ पर बना दूँगी। अब इन दोनों के सेंटर पे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए पॉइंट बना लिए हैं पूरे कपड़े पे। अब आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ से हम नीडल को ऐसे निकालेंगे, मैंने सुई में धागा डाल लिया है डबल। फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे, फिर अगेन हम सेम इसी पॉइंट से निकाल देंगे और यहाँ पे इसको खींच देंगे। ये नॉट बन गया है। यहाँ पे ही सुई से टाक देंगे। अगर आप यहाँ पे एक मोती लेके टाका लगाएंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। यहाँ पे मैंने मोती लिया है और इसको यहाँ पे ऐसे टाक देंगे। तो
अभी हमने यहाँ पे एक फूल बनाया है, सेम इसी तरीके से दूसरा फूल बनाएंगे। फिर सेम आपको वही प्रोसेस करना है फ्रेंड्स। बिल्कुल ऐसे ही आप जितने हमने निशान लगाए हैं उस पे ऐसे ही टाकेंगे। तो जो जो मैंने पॉइंट लगाए थे सभी पे मैंने बना दिया है। और जब मैं ये वाले पॉइंट बना रही थी तभी मैंने इस चोली को रख के देख लिया था, जहाँ पे मुझे मोती की नीड नहीं थी वहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। तो अभी देखिए हम कैसे इसको प्लेस करेंगे। आप अपनी चोली को पहले सेंटर से फोल्ड कर दीजिए। ये मेरी चोली का सेंटर है, मैं सेंटर वाली लाइन को इस वाले पॉइंट पे रखूँगी जहाँ से देखिए मुझे पूरा मिल रहा है, ताकि मेरे जो दोनों शोल्डर है वहाँ पे लगभग ये एक एक मोती आ जाए। तो मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़ा। तो मैंने इसको बराबर से कट कर लिया है। और देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा इधर से ऐसे जा रहा है इसको हम सीधा करके नहीं सिलेंगे, नहीं तो फ्लावर हमारा कट हो जाएगा। तो इस चोली को हम ऐसे कर देंगे, जहाँ पे इसकी प्लेट बन रही है वहाँ पे ऐसे इसको बनने ही देंगे। तो इसको ऐसे ही रखेंगे पहले। तो यहाँ पर मैंने चोली वैसे ही रखी है। अब हम नेक लाइन पर सिलाई लगाएंगे। मैं देखिए जितना ये वाला फुट है सिंगल फुट का मार्जिन लेके ही सिलाई लगाऊंगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसे हम कट कर देंगे। अब ऐसे ही आर्म होल पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए फ्लावर ऐसे बन रहा था, हमने ऐसे कटिंग करी थी, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे नहीं तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। अब इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन ऐसे बन गया है, और जब हम इस पे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये परफेक्ट डिज़ाइन बन जाएगा। अब बैक पीस लेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर से ऐसे मिला के रखेंगे। यहाँ सेंटर पे कट लगा देंगे, आर्म होल पे भी लगा देंगे सिलाई। अब इसको सीधा करेंगे। अब फ्रंट पीस को शोल्डर से अटैच कर देंगे बैक पीस के साथ। तो यहाँ तक तो चोली हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे एक लूप बना लिया है, इसको सेंटर से पहले कट कर देंगे। अब साइड वाली सिलाई पे इसको अटैच करेंगे। तो इसको ऐसे रखें,
अब इसको नीचे के लिए कर देंगे। लूप मैंने दोनों तरफ अटैच कर दिए हैं। अब लाइनिंग पर पहले घेरे की कटिंग करेंगे, तो लाइनिंग को पहले सेंटर से फोल्ड कर दें, फिर इसे एक बार ऐसे सेंटर से फोल्ड करके स्क्वायर शेप में रखें। यहाँ पे इसकी वेस्ट आ रही है 11.5 इंच, 11.5 का आधा हुआ 6.25 इंच, तो इस तरह से 6.25 इंच नाप लेंगे। यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक की गोलाई लेंथ है 4.25 इंच, तो यहाँ से भी 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से चोली की लेंथ 8 इंच माइनस करके रख देंगे। फ्रॉक की लेंथ रखेंगे हम 20 इंच, तो 20 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापेंगे, तो ये लेंथ आ रही है हमारी 12 इंच, 12 इंच पे लगाएंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसी के बराबर कटिंग करते जाएंगे फ्रेंड्स आगे के लिए भी। इसी को रख के मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। लाइनिंग को रख के मैंने मेन फैब्रिक कट किया है। मेन फैब्रिक की लेंथ मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखी है। ये मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे रखी है। यहाँ पे हम एक फ्लावर यहाँ पे बनाएंगे, एक फ्लावर यहाँ पे बनाएंगे, मतलब लेंथ में हमारे 2 फ्लावर बनेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 फ्लावर बन रहे हैं। और मैंने आपको बताया था फ्लावर में हम देखिए इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, ये हमने इस तरीके से पॉइंट लगाए थे, तो यहाँ पे 1/2 इंच का गैप लिया है। ये वाला कपड़ा तो हमारा सिमट जाता है, तो 1/2 इंच कपड़ा कम हो जाएगा, तो 1/2 इंच इसमें और 1/2 इंच एक ऊपर जो बनाएंगे उसमें, तो टोटल हो गया 1 इंच। 1 इंच तो हमने फ्लावर के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, प्लस 1.5 इंच मैंने सीम अलाउंस के लिए लिया है, क्योंकि 1 इंच नीचे से कपड़ा फोल्ड करने में चला जाएगा इस तरह से, और 1/2 इंच ऊपर से चला जाएगा, तो टोटल हो गया ये 1.5 इंच। तो ये टोटल कपड़ा हमारा हो गया 2.5 इंच। तो मैंने इसको टोटल 3 ही कर लिया, क्योंकि हो सकता है फ्लावर में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा चला जाए, तो 1/2 इंच में कम फर्क नहीं आएगा, तो मैंने टोटल 3 इंच कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भी साइज़ की अगर आप फ्रॉक बनाते हैं तो आप जितने फ्लावर बनाएंगे उसी अकॉर्डिंग से आप 1/2 इंच के अकॉर्डिंग अपना कपड़ा ऐड कर लेंगे, उसमें सीम अलाउंस का मार्जिन ऐड करेंगे, सेम वैसे ही लेंथ को आप बढ़ा लेंगे। अब सबसे पहले तो आप मेन फैब्रिक को भी नीचे से फोल्ड कर दें और लाइनिंग को भी नीचे से फोल्ड कर लें। अब इसे पूरा फैला के रखेंगे। अब देखिए जैसे ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से लगभग मैं यहाँ पे ऐसे 4 पॉइंट बना दे रही हूँ, जैसे हमने चोली में बनाया था सेम वैसे ही, और लगभग इतनी दूरी पे, क्योंकि घेरे में हमें थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है, तो आप अंदाजे से ही लगभग ऐसे निशान लगा देंगे। और अब इन दोनों के सेंटर पे एक यहाँ पे लगाएंगे, तो ऐसे हमने लगा दिए, सेम ऐसे ही इतनी दूरी पे लगभग यहाँ पे लगा देंगे, और अब इसके सेंटर पे यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे पे लगा देंगे, पे वैसा ही फ्लावर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरे में ऐसे फ्लावर बना दिए हैं, और अब इसके नीचे लाइनिंग को रखा है। मैं इसको एक साथ मिला के चोली के साथ अटैच कर दूंगी। अगर आपको अटैच करने में एक साथ प्रॉब्लम होती है तो आप पहले सिलाई लगा लें। अब इसको ऐसे राउंड में मिलाते हुए अटैच कर देंगे। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये रिबन और फ्लावर बनाना सिखाया था, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस रिबन को यहाँ से लूप के अंदर डाल देंगे। और फ्रेंड्स अब ये फ्रॉक पूरी रेडी है। बैक साइड में यहाँ पे आप एक होकाई बना के अटैच कर दें। अगर मेरा आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें मेरी वीडियो शेयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।